हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, स्मॉल गार्डन में। फ्रेंड्स, जितनी तेज गर्मी अभी पड़ रही है और हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो गर्मी पड़ने के साथ साथ उसमें फ्लावरिंग भी खूब हो रहे हैं। जैसे ये कनेर का है, ये देखिए इसमें भी खूब सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, और इसी तरह से गुड़हल का है, उसमें भी जो है अभी बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो इसी तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो उसमें भर भर के फूल आ रहे हैं, जिससे जो है हमारा गार्डन भी सुंदर लगने लगा है। फिलहाल आज जो है मेरे बच्चों ने कुछ शॉपिंग किया है मेरे स्मॉल गार्डन के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेनिम के लिए पॉट है, और ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, जिसकी ज़रूरत मुझे हर 1-2 महीने में पड़ती रहती है, तो इसे तो लाना कंपलसरी रहता है हर शॉपिंग में। तो ये मुझे 80 रुपीज का पड़ा है, 5 kg। और ये है फ्रेंड्स NPK 19 19 19, ये 1 किलो का पैक है जो कि 180 का पड़ा है। तो फ्रेंड्स, हालांकि ये केमिकल फर्टिलाइजर होता है, तो भी मैं यूज करती हूँ फूलों वाले प्लांट के लिए। बाकी जो वेजिटेबल्स वगैरह है उसमें मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही डालती हूँ, तो ये भी ज़रूरत पड़ता है तो इसे भी मैं रखती हूँ। और ये देखिए नीम ऑयल है, ये पड़ा है 60 रुपीज़ का, जो कि 100 ml है, और ये प्लास्टिक का डब्बा है। तो अभी जो है बारिश का समय आ रहा है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ही, और ऐसे भी ज़रूरत पड़ता ही है फ्रेंड्स, पेस्टिसाइड है, तो ये भी मैंने लिया है। और ये देखिए एक पॉट है, इसमें मैं क्या लगाऊंगी अभी डिसाइडेड नहीं है फ्रेंड्स। तो ये मुझे 150 का पड़ा है, ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने ले लिया है। ये देखिए इसमें जो है 4 स्टैंड बने हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर मैं होल करूँगी। तो और ये देखिए यहाँ पर जो है मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो स्टिकर चिपका हुआ है इस पर गोल्डन स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसमें क्या लगाना है बाद में सोचूंगी। और ये वाला पॉट जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने एडेनियम के लिए लिया है, जो कि मुझे 90 रुपीज़ में पड़ा है, और एडेनियम का जो प्लांट है वो काफ़ी छोटा है, तो उसके हिसाब से ये सही है। तो ये देखिए इसमें काफ़ी सारे होल्स बने हुए हैं, आप इसमें सकुलेंट भी लगा सकते हैं, और इसे हैंगिंग बास्केट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, रस्सी वगैरह लगा करके, क्योंकि ऊपर में 3 होल्स बने हुए हैं। और ये देखिए इसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छा है। वैसे तो फ्रेंड्स, प्लांट्स के लिए मिट्टी का पॉट ही सही होता है, पर इसे छत पे वर्डन बढ़ जाता है, तो इसलिए जो है मैं प्लास्टिक का ही पॉट यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी शॉपिंग हमारे स्मॉल गार्डन के लिए आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।